हे एवरीवन, दिस इज शिवम केशरवानी। स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉक टेस्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो द फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, रेडियस दिया हुआ है एक स्फीयर का ए, मूविंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी दी हुई है वी, और फोर्स दिया हुआ है कितना, इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स एक्चुअली, तो दैट इज इक्वल टू 6 pi eta a v। एंड पूछा क्या है, द डायमेंशंस ऑफ एटा, एटा के डायमेंशंस को पूछा है। हम जानते हैं 6 और पाई जो होते हैं वो एक कॉन्स्टेंट और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उनको हटाइए तो एटा इज इक्वल टू हो जाएगा एटा इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए वी। एफ क्या होता है, फोर्स, फोर्स का जो आपका डायमेंशन होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम इंटू एल टी माइनस टू हो जाएगा। और ए जो होता है वो रेडियस, रेडियस है ना स्फीयर का, उस स्फीयर का रेडियस है भाई ये, तो वो लेंथ के टर्म्स में एल दिया जाएगा। और जो वेलोसिटी है उसका जो डायमेंशन होता है वो मीटर पर सेकंड, दैट इज एल टी माइनस वन हुआ करा करता है। यहाँ पर चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो गया, M L को ऊपर ले जाओ, M L माइनस वन एंड T माइनस वन, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में बात किया, द मैक्सिमम रेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सीधी सी बात है, कोई भी बॉडी को अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वो जाएगा, तो क्या होता है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है उसी को हमने क्या कह दिया, रेंज कह दिया। तो रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर साइन 2θ/g। और अगर आप जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री पे करोगे तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 2θ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 2θ इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो r इज इक्वल टू, अच्छा, यू स्क्वायर साइन 2θ/g होता है रेंज का फॉर्मूला, और जब थीटा में हमने 45 रख दिया तो यू स्क्वायर बाया जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाया जी। तो ये r मैक्स हो गया। तो यार थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमने रखा तब ना ये मैक्सिमम रेंज आया। यस, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे डज नॉट लिख दिया है, नहीं, एंगल हमने 45 लिया तब ना वो डिपेंड नहीं, तब ना वो डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम रेंज, तो यहाँ पे लिखा है डज नॉट डिपेंड, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, दैट इज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। बहुत अच्छी बात है, सही बोला इसने, तो स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि हमने एंगल लिया 45 तब ना वो रेंज मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर बोला डज नॉट डिपेंड, ऐसे कैसे। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बैठता है सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1, m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। भैया u बराबर 0 से हमने उसको गिराया, सेम पॉइंट से गिराया, मतलब हाइट जो है वो सेम है, यहाँ पर है तीन बॉडी है m1, m2 और m3 और हाइट जो है वो सेम है मान लीजिए, और वो अलग अलग पाथ से हमने गिराया है इसको, तो सीधी सी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है वो हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हुआ करा करता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो u जो होता है, जो कि इनिशियल स्पीड होती है, वो 0 है क्योंकि ये फ्री फॉल है, तो वेलोसिटी आ जाएगी √2gh। तो वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं भी मास नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी जो होता है वो मास से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी जो होता है उसका मास से कोई मतलब नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, मास कुछ भी हो अगर हाइट सेम है तो फाइनल वेलोसिटी सेम ही होगी। तो इट मीन्स चूंकि मास अलग अलग है उससे कोई मतलब है नहीं, हाइट तो सेम है ना, हाइट तो सेम है ना, इसलिए वेलोसिटी सबकी सेम होगी। सो आंसर इज 1:1:1, तीनों मास का आंसर सी बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वीटी प्लॉट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन, द वीटी प्लॉट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड। देखो यार वीटी ग्राफ है, तो हम ये जानते हैं कि यार देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो दिखाता है भाई dv/dt मतलब हो गया, तो वो दिखाता है एक्सेलरेशन, बट एरिया, एरिया ठीक है ना, एरिया इन वीटी ग्राफ अगर मैं बात करूँ तो वो दिखाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। तो अगर हम वीटी ग्राफ का यहाँ पर एरिया अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया क्या निकल के आएगा वीटी ग्राफ का, इसने पूछा क्या है भैया, इसने पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो यार एवरेज वेलोसिटी बोला है ना, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, उसका एरिया निकाल दो। तो यार इस वाले इंटरवल में, ठीक है ना, इस वाले इंटरवल में जो है, इस वाले इंटरवल में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस एरिया आया और इस वाले इंटरवल में नेगेटिव एरिया आया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो भी टाइम लगा वो लग गया, ओवरऑल 0 आ गया आंसर, ठीक है, टाइम जो है वो तुम्हारा 10 सेकेंड है ना, तो 10 सेकेंड आ गया, तो ओवरऑल जो होता है एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करेंगे यहाँ पर,
अ बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड देन, अच्छा फिर दूसरा केस, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, मतलब कुछ दूर तक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला और उसके बाद कुछ दूरी जो है वो 300 मीटर की दूरी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के गति से तय करता है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हमको इतना तो पता है कि सर एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अरे बोलो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अ बॉडी मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, तो ये स्पीड इंटू टाइम अगर हमने कह दिया तो वो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस पहले तो 100 मीटर उसने कवर करी, ठीक है, पहला डिस्टेंस। अब यहाँ पे देन विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, तो 300 मीटर हो गया दूसरी बार। टाइम पहली बार में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा हुआ था, प्लस दूसरी बार में टाइम कितना लगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो 300 बाया 20 दैट इज इक्वल टू 15 सेकेंड लगा टाइम दूसरी बार में, सॉरी 15 सेकेंड। सॉल्व किया जाए 100 प्लस 300 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात क्लियर है, एवरेज स्पीड हमने निकालना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करा, टोटल डिस्टेंस जो होता है पहले तो 100 मीटर आया, दूसरी बार में 300 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, अपॉन टाइम पहले में 10 लगा और दूसरे में कितना लगा 300 बाई 20 15, तो आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड आए, एवरेज वेलोसिटी आए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, यहाँ पर लिखा इफ द रेंज ऑफ अ गन विच फायर्स अ शेल विथ मजल स्पीड वी इज आर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गन इज, मतलब जिस गन ने फायर किया है उस शेल को एक स्पीड के साथ फायर किया जिसको हम वी कह दिए और उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है गन का और रेंज जो है उसका आर दे रखा है, तो हम ये जानते हैं रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, ठीक है। इसने जो है साइन 2 थीटा आप निकाल लो क्योंकि एंगल पूछा है ना, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा आर जी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स आर जी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1/2 साइन इनवर्स आर जी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। मैच करो किससे मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है आंसर नंबर डी से, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए सेवन्थ पे, सेवन्थ क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, आप बोल रहा है एक इंसेक्ट है वो चढ़ रहा है किसी हेमिस्फेरिकल सरफेस पे, कटोरी पे चढ़ रहा होगा धीरे धीरे, और यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इंसेक्ट के पैरों में और जो है इंसेक्ट के पैरों में और जो सरफेस में, यहाँ पर जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। इफ़ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस टू द इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, ये जो है वो अल्फा एंगल अगर बना रहा है देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कितना हो सकता है मैक्सिमम, अल्फा कितना हो सकता है मैक्सिमम, समझ रहे हो आप, अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है इसने ये पूछा है। सीधी सी बात है भैया, ये चढ़ते जाएगा तो क्या होगा, एक समय फिसल जाएगा ना, ठीक है ना, मतलब एक समय जो है नहीं चढ़ पाएगा, तो उस पर क्या होता है, मान लो इसका इसमें नीचे की तरफ जो है इसका वेट लग रहा है mg, ठीक है ना, अगर ये अल्फा है तो बेटा ये भी जो है अल्फ़ा एंगल से एम जी कॉस अल्फ़ा हो जाया करेगा, अरे बोलो, और ये वाला जो है कंपोनेंट एम जी का वो एम जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, अरे बोलिए, ग्राउंड से मतलब यहाँ से उसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जिसको हम कहते हैं एन, ठीक है, यहाँ पर जो होता है फ्रिक्शन भाई ये चलेगा, तो फ्रिक्शन जो होता है इधर की तरफ काम करेगा ना, फ्रिक्शन इधर की तरफ ही काम करेगा, तो वो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन हो जाएगा, है कि नहीं, तो बता मैक्सिमम कितना चढ़ सकता है जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके इस वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, तब वो मैक्सिमम उतना, मतलब ये उसकी लिमिटिंग कंडीशन है जहाँ पर इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है, तो आइए सॉल्व करते हैं लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है, तो लिमिटिंग कंडीशन में हम ध्यान से देखेंगे म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मान लेते हैं एम जी साइन अल्फ़ा, तो म्यू इंटू एन कितना है, एन इसके बराबर होगा एम जी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3, पहले बात एम जी साइन जी उड़ा दो, 1/3 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन बाई कॉस होता है 10 और कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को इधर ले आओ अपॉन साइन अल्फ़ा और 3 को उधर ले जाओ इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 3, 10 का उल्टा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 3 आ जाएगा, आंसर हो गया इसका ए।
यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रही है कि ए एंड बी आर द टू मेटल्स विद थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसीज इतना इतना दिया हुआ है। थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिससे ज़्यादा अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दे दें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। टू आइडेंटिकल फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इतना ईच आर इंसिडेंट ऑन देम देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम। देखो सीधी सी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये मेटल है हमारा, ठीक है ना। मेटल पे अगर हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर इसके थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा दे दी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार। तो सीधी सी बात है यहाँ पर पहले की जो थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले वाले की है ए की है वो 1.8 × 10⁴ है। थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी बी की 2.2 × 10⁴ है, सॉरी यहाँ भी 14 है। ये वो फ्रीक्वेंसीज है अगर पर्टिकुलर मेटल की, इनसे ज़्यादा अगर हम फ्रीक्वेंसी इनको देंगे, इनके थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी इनको देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएगा, यही हमको चाहिए। फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दे रखी है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट फोटोन की, तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल ले रहे हैं। फिर इसको कंपेयर कर लेंगे ए और बी के थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, एच न्यू के बराबर होती है, तो न्यू बराबर 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल हुआ करता है, तो 0.825 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल अपॉन 6.6 × 10⁻¹⁴ होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। सॉल्व करने के लिए आपको चूंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन लग रहा होगा कैसे सॉल्व करें, मैं बहुत ही सिंपल टुक्का मेथड से चीज़ों को बता रहा हूँ, अब उसी तरीके से चीज़ों को करिए तो सॉल्यूशन आसान होता है। 16 × 16 = 64, ठीक है ना, लगभग 4 times कटेगा, 4 से ऊपर ही होगा। अब 4 × 4 = 8, ये हो जाएगा 0.2 times, क्लियर है, 0.2 times, ठीक है ना, 0.2 times से हल्का सा कम होगा, हल्का सा, तो 0.2 ही मान लेते हैं। तो 0.2 × अब 10⁻¹⁹ ऊपर है और नीचे 10⁻³⁴ है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+¹⁴, तो −19 और +34 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, +15, तो 0.2 × 10⁻¹⁹ आ जाएगा। अब × 10/10 कर दो तो 2 × 10⁻¹⁴ आ जाएगा। ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है 2 × 10⁴, जो कि ए वाले मेटल के थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है बट बी वाले के थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ए वाले के थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो ए वाले का फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज शॉर्ट टुवर्ड्स द अंदर चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू, एक कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू, उसको शॉर्ट किया गया विद स्पीड वी, ये फिक्स है भाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, शॉर्ट किया गया। इट अप्रोचेस क्यू अप टू क्लो, मान लीजिए खूब अंदर से अंदर आया, यहाँ तक आ गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक आ गया, ठीक है ना, ये जो है वो आर है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक आ गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसको हम 2V से इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बताइए उसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो कितना होगा। सीधी सी बात है भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। पहले जो है काइनेटिक एनर्जी चार्ज की थी, काइनेटिक एनर्जी थी तो वो 1/2 mv² के बराबर थी पहले, ठीक है ना, 1/2 mv² के बराबर थी और इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे थे क्यू के, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, इंटरेक्शन जीरो था, तो +0 = बाद में जब इसके ये पास आया तो वहाँ पे जो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया लास्ट तक जाते जाते, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज जब यहाँ पर आया होगा तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या होगा, -kqq/r हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 mv² बराबर माइनस, यहाँ से आ जाएगा 1/2 mv² बराबर -kqq/r1 आ जाएगा, r2। अब सेकंड केस में 1/2 m, अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v, स्पीड कितना हो जाएगा 2v = -kqq/r2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यार सीधी सी बात है 1/2 × m × 4v² हो जाएगा −kqq/r2 हो जाएगा। तो 1/2 m और v स्क्वायर की वैल्यू तो इतनी दे ही रखी है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो यार हो जाएगा कितना, −kqq/r1 × 4 = −kqq/r2। तो −kqq कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं r1 को इधर ले आओ, r2 को इधर ले आओ, r1 = 4 r2 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो आर टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वन बाई फोर, दैट इज इक्वल टू आर बाई फोर, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, दो पोल जिसमें हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, दोनों कुछ डिस्टेंस से दूरी पे हो, लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर दी हुई है डाइपोल की, इस प्लेस विद इट्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 60 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 डिग्री पे है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10^5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ इतना, टॉर्क दे रखा है उस डाइपोल पे लगने वाला 10^√3 न्यूटन मीटर, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। हम जानते हैं टाउ बराबर जो होता है, टाउ बराबर जो होता है वो कितना होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, वेयर पी इज डाइपोल मोमेंट, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगा टाउ बाय ई साइन थीटा। तो टाउ कितना है भैया, यहाँ पर 10√3 है अपॉन ई 10^5 है, साइन थीटा साइन 30 हो जाएगा 1/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 20√3 अपॉन 10^5, ठीक है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 20√3 अपॉन 10^5, तो यार 2 इज इक्वल टू 2√3 इंटू 10^-4, ये आ जाएगा किसकी, पी की वैल्यू आ गई। अब चूंकि इसने पोटेंशियल एनर्जी पूछा, माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाता है, तो माइनस पी की वैल्यू कितनी 2√3 इंटू 10^-4 इंटू ई की वैल्यू कितनी 10^5 इंटू कॉस थीटा कितना होता है कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 के बराबर, जिसे हम √3/2 कहते हैं, तो -2√3 इंटू 10^-4 इंटू 10^5 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस √3 √3 हो जाएगा इंटू 10^1, 5 - 4 = 1, तो हो जाएगा -30 जूल, आंसर सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कैपेसिटर C1 10 μF, C2 20 μF आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 3 kV सप्लाई, देखो 3 kV सप्लाई से कनेक्टेड है, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, इस पर चार्ज कितना होगा। चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो चार्ज, ठीक है, जो चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं कि नेट चार्ज जो होता है क्यू इज इक्वल टू होता है तुम्हारा सी इंटू वी, ठीक है ना, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सीरीज़ में जो होता है कैपेसिटर सीरीज़ में है ना, कैपेसिटर सीरीज़ में है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आती है कि ये 3 kV है ना, तो सीरीज़ में है तो C1 C2 अपॉन C1 + C2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू 3 × 10^3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 10 × 20 / 30 × 3 × 10^3, ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, तो 20/3 कैंसिल, 20 × 10^3 20, ठीक है, 20 20 × 10^3 हो गया, और ये माइक्रो फेरड है, माइक्रो 10^-6 × 10^3 यार ये हो जाएगा 20 × 10^-3, ठीक है ना, 20 × 10^-3, तो इसको हम बोल सकते हैं 20,000 μC, आंसर बी बेटा, आंसर बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 के मैं बात करूंगा, तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, 150 इक्वल डिविजन्स हैं, 150 टोटल डिवीजन है भाई, बराबर बराबर, करंट सेंसिटिविटी 10 dB/mA है, तो भैया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 150 डिवीजन में 10 डिवीजन का भाग दे दो तो 15 mA आ जाएगा। उसी तरह फुल स्केल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 150/2 = 75 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से करंट कितना निकले, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना निकलेगा, तो VG/IG, ये आ जाएगा 75/15, ये आ जाएगा 5 ओम। अरे क्लियर हुआ, अरे पर मिली एम्पियर के लिए 10 डिवीजन लग रहे हैं यहाँ पर और टोटल 150 डिवीजन है, तो कितना करंट जो है वो नापेगा, तो आंसर है 150/10, दैट इज इक्वल टू 15 mA। उसी तरह से कि वोल्टेज जो होता है 75 वोल्ट, तो जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस वो है 5 ओम। तो गैल्वेनोमीटर ये है, इसके सीरीज़ में आप रेजिस्टेंस लगाते हो और ये बोला है कि कितना लगाएं ये रेजिस्टेंस कि जो ये वोल्टेज है वो रीड करे, एक वोल्ट रीड करे एक डिवीजन, तो टोटल 150 डिवीजन है, तो 150 वोल्ट जो है वो रीड करे। तो सीधी सी बात है, इसमें करंट जो हो रहा है वो IG जा रहा है,
तो आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज आर इज इक्वल टू 150 वोल्ट। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ जाएगी कि जी, ठीक है ना, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर इक्वल टू 150 वोल्ट। तो 150 अपॉन आई जी माइनस जी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो 150 अपॉन 15 इंटू 10 पर माइनस 3, 15 मिली एम्पियर है ना, माइनस जी कितना है 5, इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 10 टाइम्स 10,000 माइनस 5, ये हो जाएगा 9,995, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 33 की जब मैं बात करूँगा, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल किसके लिए होता था, दिमाग लगाओ। राइट हैंड थंब रूल होता था कि अगर ये करंट है, इसमें करंट बह रहा है, तो अपने कर्लिंग फिंगर्स इस तरीके से करो और जो इसका थंब होगा हमारा वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट थंब होता है और कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। फिर से समझो, अगर स्टेट वायर है, इसमें करंट आई बह रहा है, तो अगर मेरा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे, जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे वो क्या बताएंगे, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, राइट हैंड थंब रूल किसको बताता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर कॉयल। तो ए का तो थर्ड बैठ रहा है, अब ए का थर्ड यहाँ पर आंसर सी बैठ गया। और सारा चेक कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, तो अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी इन अ रीजन विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज अगर रख दोगे तो वो स्ट्रेट ही तो जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो डी का तो फोर होगा, डी का फोर होगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहलाता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग ड्यू टू द करंट कैरिंग रेंडर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर जो है किसी भी कंडक्टर को रखा गया है, किसी भी कंडक्टर को रखा गया है, तो अगर वहाँ पर हम क्या बताएंगे, उस पर लगने वाला फोर्स बता देंगे, उस पर लगने वाला फोर्स। अगर ये करंट है, तो अगर हमारा ये होता है कि अगर हमारा जो थंब है, एक होता है थंब, ठीक है ना, एक राइट हैंड थंब रूल के, एक होता है थंब, एक होता है तुम्हारा ये तुम्हारा इंडेक्स फिंगर, और एक होता है तुम्हारा मिडिल फिंगर, ठीक है ना। तो थंब जो होता है वो क्या बताता है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। जो इंडेक्स फिंगर है वो तुम्हारा क्या बताता है, वो बताता है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बचा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताएगा। नेक्स्ट 34, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी वी सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, द फोर्स इज नॉन जीरो। तो यार एफ, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर एफ नॉन जीरो है तो एंगल बिटवीन वी एंड बी इज आइदर जीरो और 180। अगर साइन जीरो या साइन 180 है तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। एंगल बिटवीन वी एंड बी इज नेसेसरी 90 डिग्री, अगर केवल 90 डिग्री ही रहे तो एफ मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ नॉन जीरो होता है, ठीक है, हो सकता है। एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 डिग्री, 90 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, जीरो भी तो हो सकता है, तो फोर जीरो हो जाएगा, तो ये भी गलत है। एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव वैल्यू अदर देन जीरो और 180, जीरो और 180 को छोड़कर जहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो ना हो पाए, उसके अलावा कोई भी एंगल हो तो फोर जो होता है वो नॉन जीरो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 35, अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया गया नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल और बार मैग्नेट, देन, तो यार कोई भी अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, चाहे वो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो चाहे साउथ पोल की तरफ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो निकलेंगी ना, वहाँ पर इसको रख दिया गया किसी डायमैग्नेटिक फील्ड को, डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो क्या होगा, इसकी वजह से ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक अपोजिट साइड में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुल मिला के ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ, तो रिपेल्ड बाय पोल्स, क्लियर। 36 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, बोला एक कंडक्टिंग रिंग है, उसको प्लेस किया गया ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट एम, ठीक है, द प्लेन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, द प्लेन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एम कैन मूव अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है ना, एम जो है इस एक्सिस के अलोंग आगे पीछे मूव कर सकता है। तो बोल रहा है कि देखो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ के अनुसार भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो होता है यहाँ पर इंडक्शन स्टार्ट होगा। तो एक तरीका है, उसको याद रखो, पास आए तो आने ना दे,
पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे, मतलब उसके मोशन को अपोज करेगा, दूर जाए तो जाने ना दे। इसका मतलब कि अगर ये चीज़, ये मैग्नेट जो होता है इस सर्कुलर कॉयल के पास आ रहा है, ठीक है ना, इस सर्कुलर कॉयल के पास आ रहा है, इसमें करंट बह रहा है ना, तो क्या होगा, इसको ये रिपेल करेगा। तो एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स आर, ये सही है। एम विल अट्रैक्ट आर, मतलब व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स आर, आर की तरफ आ रहा है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा, पास आए तो आने ना दे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, एक एसी एमीटर है उसको यूज किया गया है अल्टरनेटिंग करंट को नापने के लिए। जब उसमें हमने, जैसे ये एसी एमीटर है, ठीक है ना, ये एक मशीन है जो कि एसी एमीटर है जो कि करंट को नापता है, करंट को रीड करता है, और वो हमेशा आईआरएमएस करंट को रीड करता है। तो जब इसमें हमने एसी दिया 3 एम्पियर का, सॉरी पढ़ लो पहले, व्हेन अ गिवन अ डायरेक्ट करंट पासेस थ्रू द सर्किट देन एसी एमीटर रीड्स 3 एम्पियर। जब हमने डीसी दिया तो 3 एम्पियर रीड कर रहा है, या डीसी में तो हम ये जानते हैं कि कोई फ्लक्चुएशंस आती नहीं है, कांस्टेंट करंट हुआ करता है, वो भी मैक्सिमम होता है। तो आई नॉट वन जो है वो 3 एम्पियर के बराबर हो गया, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट पीक वैल्यू। जब उसमें हमने एसी दिया पासेस थ्रू द सर्किट देन द एसी एमीटर रीड्स 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर है, ठीक है ना, तो ये आईआरएमएस रीड कर रहा है 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होता है, तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4√2 एम्पियर, मतलब ये साइनोसॉइडल हुआ करता है, ठीक है ना, ये साइनोसॉइडल हुआ करता है, और इसका पीक वैल्यू जो होती है वो 4√2 आ जाती है आईएसी, ठीक है। तो पहली बार में 3 एम्पियर, दूसरी बार में 4√2 एम्पियर, तो यहाँ पे इसका करंट का जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो 4√2 sin ओमेगा t लिख सकते हैं करंट का जो एक्सप्रेशन है, और पहले वाले का तो 3 एम्पियर है ही। तो अगर बोला है देन रीडिंग ऑफ दिस एमीटर इफ डीसी एंड एसी फ्लोस टू द सर्किट साइमल्टेनियसली, तो नेट करंट जो होता है, नेट रीडिंग क्या बताएगा, वो बताएगा 3 + 4√2 sin ओमेगा t। लेकिन रीडिंग हमेशा आईआरएमएस का करता है, तो आईआरएमएस यहां से निकल के आ जाएगा, तो जब भी a + b sin ओमेगा t दिया रहता है, तो वहां पे हमको अगर आई की वैल्यू दे रखी है, तो आईआरएमएस जो होता है वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमको याद रखना होगा तो हम निकाल सकते हैं √a² + b² + b² / 2 हो जाएगा, साइन ओमेगा टी है तो उसका 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3² + इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32/2 9 + 16 ये आ जाएगा तुम्हारा 5 एम्पियर आईआरएमएस। एक तो तरीका ये शॉर्टकट वाला है, दूसरा आईआरएमएस निकालने के लिए हम जानते हैं कि उसका पर्टिकुलर हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा 0 से t तक, और इंटरवल, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, पहले स्क्वायर किया फिर इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल करके उसका मीन निकाला फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो ये आईआरएमएस निकल जाएगा। चूंकि ये लॉन्ग मेथड होता है तो हम शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखेंगे, जब भी a + b sin ओमेगा t आएगा तो √a² + sin का होता है एवरेज 1/2, और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो b² / 2, और फिर उसका रूट कर रहे हो तभी ना रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करो फिर रूट फिर एवरेज निकालो फिर उसका रूट ले लो, ये तरीका होता है। तो आंसर है 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट आरएमएस वैल्यू में भी इक्वल टू पीक वैल्यू, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट है मान लेते हैं, उस अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम बात करें तो उसका पीक वैल्यू जो है वो आई नॉट हो जाएगा, तो यार उसका एवरेज कैसे निकालोगे, तो एवरेज निकालने के लिए हम जानते हैं आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल होता है, तो आई नॉट इंटू डी टी 0 से t0 / t0 कर देंगे इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, रहेगा क्या निकल के आ जाएगा, I0 t0 / t0 ये कैंसिल हो जाएगा तो आई नॉट आ जाएगा, तो एवरेज वैल्यू भी पीक वैल्यू के बराबर हो गई। आरएमएस वैल्यू जो होती है वो बेसिकली क्या हो रही है कि पहले स्क्वायर करो फिर उसका इंटरवल फिर उसका एवरेज निकालो 0 से t0 फिर उसका अंडर रूट ले लो, तो कुल मिला के आई नॉट स्क्वायर का रूट ले लिया तो आई नॉट के बराबर ही आ गया। तो एवरेज वैल्यू हो चाहे आरएमएस वैल्यू हो सब पीक वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू में भी इक्वल टू पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू में भी इक्वल टू पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू भी इक्वल टू एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो होती है वो एवरेज वैल्यू के बराबर, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द करंट इन द सर्किट हैविंग द आइडियल डायोड्स इज, तो देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला अगर पी से कनेक्टेड है
तो फॉरवर्ड बाइस, अगर एन से कनेक्टेड हो तो बैकवर्ड बाइस, सॉरी रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में करंट जो होता है वो नहीं दौड़ता है, फॉरवर्ड बाइस में दौड़ करेगा। तो ये सर्किट खत्म, तो ये करंट ऐसे जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर। 3 वोल्ट की बैटरी लगेगी, रेजिस्टेंस 10 ओम, और यहाँ पे 40 ओम, 50 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 10 ओम और 40 ओम, 50 ओम हो जाएगा, तो 3/50 एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर सी, यहाँ पर क्या बोला है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, इन विच कलेक्टर सप्लाईज 8 वोल्ट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट द लोड रेजिस्टेंस इतना, तो आर आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस 800 ओम है और कलेक्टर सर्किट इज 0.8 वोल्ट, ठीक है। इफ़ द करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, मतलब कि जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो 25/26 है, करंट गेन उसको हम बोलते हैं, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, तो बताइए पावर गेन कितना होगा, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो हम सीधी जानते हैं यार कि पावर बराबर वी आई होता है, और अगर हम एक चीज़ और समझें तो हम वी को आई आर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा पावर की बात। तो यार वोल्टेज गेन, सॉरी पावर गेन जो होता है, ए वी को हम बोल दिया मान लीजिए पावर गेन, है ना, तो पावर गेन जो होता है वो क्या हो गया, आई का टर्म मतलब कि करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ऐसे आप करो रेजिस्टेंस गेन। तो यार करंट गेन कितना है, 25/26 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। आर आउटपुट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 100 दे रखा है इंटू 800। आर इनपुट कितना दे रखा है, यहाँ देखो 200। तो यहाँ से पावर गेन समझ में आ गया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 25 × 25 × 4/26 × 26। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3.69, आंसर बी। द गिवन फिगर शोज द वेव फॉर्म्स ऑफ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड फॉर दैट वाई इनपुट ऑफ अ लॉजिक गेट, ठीक है, जो भी है, ए बी और वाई दिया है, ए बी और वाई। ए जो है वो जीरो है, तो बी भी जीरो है, तो वाई भी जीरो है, जीरो जीरो जीरो। ए अगर जीरो है तो बी वन है, तो वाई भी वन है, जीरो वन वन। ए अगर जीरो है, बी वन है और वाई जो है वो ज़ीरो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको फिर समझते हैं। तो देखो ना, ज़ीरो से टी वन देख लिया, टी वन से टी टू देख लिया, अब टी टू से टी थ्री देखते हैं, वन टी टू से टी थ्री के बीच में देखना है, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है ना। टी वन से टी टू में ज़ीरो, टी वन से टी टू में वन, टी वन से टी टू में ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, सही है। ओहो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूँ, तो निडल्स N1, N2, N3 आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड N1, N2, N3। ये फेरो है, ये पैरा है और ये डाया है, तीन मटेरियल्स हैं। अगर तीनों को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरह रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्सटर्नल की वजह से उनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, और जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इनके अंदर एक बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डेवलप होने लगता है, ठीक है ना। तो भैया फेरो के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमने लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा उस मटेरियल को, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो सेम डायरेक्शन में ज़बरदस्त हुआ, पैरा में सेम डायरेक्शन में थोड़ा सा हुआ और डाया में अपोजिट डायरेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि सबसे ईजिली मैग्नेटाइज कौन होता है, फेरो, फिर उसके बाद होता है पैरा, फिर उसके बाद डाया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट करेगा N1 को स्ट्रांगली, ठीक है, N1 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, N2 को वीकली, और N3 जो चूंकि डाया मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको वो रिपेल कर देगा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो फिजिक्स का सेक्शन आपका ख़त्म होता है।